इतने में लक्ष्मी जी नारायण से बोली, मेरी बहन की शादी को बहुत दिन हो गए, अपन मिलने नहीं गए, चलो जरा मिलने चले। भगवान बोले, रहने दे, क्या करेंगे मिलके उससे, नहीं आप चलिए। अब भगवान तुरंत तैयार हुए, मिठाई का डब्बा रखा, किसी के मिलने जाओ तो मिठाई लेकर जाते हैं, मिठाई का डब्बा लिया और डब्बा लेकर भगवान जैसे ही पहुंचे और तुरंत लक्ष्मी जी ने दरिद्रता को मिठाई का डब्बा दिया, डब्बा देते सी लक्ष्मी को दरिद्रता को क्रोध आ गया। दरिद्रता बोली, ए लक्ष्मी, तुझ में अकल नहीं, तेरे में बुद्धि नहीं, तू जानती नहीं मुझको क्या प्रिय और क्या प्रिय है। लक्ष्मी जी बोली, मैं जानती हूं तेरे को प्रिय क्या है, पर अरे ओ दरिद्रता ज्येष्ठा, मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है तो तू बदल गई होगी, इसलिए मैं मिठाई लेकर आई हूं, नहीं तो मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। दरिद्रता को क्या पसंद है, जम के बोलिए जरा, खट्टा और तीखा, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर अब विवाह के बाद तो थोड़ी बदली होगी, इसलिए मैं तेरे लिए लेकर आई हूं ये मिठाई। दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए, खट्टा और तीखा दरिद्रता को प्रिय है और मीठा, जम के बोलिए जरा, लक्ष्मी जी को प्रिय। इसलिए दुकानों के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची टांगी जाती है, कई लोग कहते हैं नजर के लिए टांगी है, नजर के लिए नहीं, दरिद्रता को भूख लगेगी तो वो तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी, प्रवेश करेगी उससे पहले तुम दरवाजे पर टांग कर रख दो तो वहीं से खाएगी चली जाएगी, वहीं से खा कर जाएगी। अच्छा, दुनिया के लोग कहते हैं नजर के लिए रखी, नजर के लिए नहीं, उनको समझाओ कि भगवान नारायण की, लक्ष्मी जी की जो बड़ी बहन है, भगवान नारायण की जो बड़ सास है, वो अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर रखी जाती है और मिठाई घर के अंदर। घर के अंदर मिठाई को इसलिए रखते हैं क्योंकि लक्ष्मी हमारे घर में आए, प्रवेश। इसलिए हिंदू धर्म में रीति है कि नींबू और मिर्ची को कभी भी घर के फ्रिज में भी रखा जाता है तो दो डलिया में अलग अलग रखा जाता है। एक डलिया में अगर नींबू मिर्ची रखते हैं तो उस घर में कभी यश की प्राप्ति नहीं होती, लक्ष्मी टिकती नहीं है उसके घर में, कभी भी नहीं टिकेगी। एक रुपए कमाओगे सवा रुपए खर्च होगा, घर में दस लोग रहेंगे तो दसों में क्लेश बना रहेगा। पति से कितनी भी पत्नी मीठी आवाज में बात करेगी पर पति को तीखा लगेगा, पति कुछ बोलेगा तो पत्नी को खट्टा लगेगा, ऐसा नियम। अगर नींबू और मिर्ची एक ही पात्र में, एक ही डलिया में, एक ही जगह रखे हुए हैं जिस घर के अंदर, वहां पर शांति नहीं रहती, लक्ष्मी नहीं टिकती, इसलिए नींबू और मिर्ची को दोनों को अलग अलग रखा जाता है हमारे शास्त्र रीति में।